खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। कोरोना संक्रमण काल में देश प्रदेश में अनलॉक की स्थिति में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, बाजार खुलते जा रहे हैं, जन सुविधाएं भी निरंतर प्रगति पर हैं, आवागमन परिवहन भी प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन यह सब इसलिए नहीं है कि हम संक्रमण से मुक्त हैं, यह सब कुछ जरूरी भी है और मजबूरी भी है। एक लंबे समय के लॉकडाउन में देश और प्रदेश थक भी गए, रोजगार भी जरूरी है, जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। उस सब के दृष्टिगत इस सावधानी की बहुत आवश्यकता है। कोरोना घट नहीं रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। हम संक्रमित रोगियों के ठीक होने की संख्या में भ्रम ना पालें। वह तो निश्चित है कि 1% है, यदि 1000 संक्रमित हैं तो 900 950 तो ठीक होंगे ही, क्योंकि वो संक्रमित पहले से आज ठीक होंगे। चिंता इस बात की है कि संक्रमण की दर भी बढ़ती जा रही है, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, और यह बढ़ती हुई दर तब है जबकि हम सब घरों में रहे। अब घरों से निकलने के साथ दर यदि बढ़ रही है तो यदि घरों से निकलने की प्रक्रिया अधिक होगी, सुरक्षित होकर नहीं निकलेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, असावधानियां रखेंगे, और जितना यह दर प्रतिशत यदि बढ़ता गया तो यह कहीं सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में ना आ जाए। इसलिए सरकार का ही नहीं, समाज का भी दायित्व है, परस्पर भी दायित्व है कि जितनी रख सकते हैं सावधानी रखें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब लाइफ विद कोरोना एंड लाइफ विद नेचर, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के लिए जिए, और कोरोना के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति बढ़ाकर जिए। सभी पाठक बंधु शुभचिंतकों से आग्रह है कि ऐसी किसी भी प्रकार की असुरक्षा या सावधानी की घटनाएं कहीं दिखाई देती हैं, समग्र जनहित में, समग्र लोक मंगल में उनको संज्ञान में लाइए और इस समाज को कोरोना से बचाइए। धन्यवाद। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।